पार्ट एट जी शुड मेंटेन देयर लीड एंड अदर सेक्शंस शुड ट्राई टू कंपीट। ओके सो सभी बच्चे एक बार लिखो मल्टीपल इमेजेस कंटिन्यूड फैकल्टी नेम। मस्ट राइट डाउन योर डेट बेटे, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटल्ड इन एट्थ ए क्लास, अदरवाइज इन ऑल सेक्शन स्टूडेंट्स आर वेल सेटल्ड। शाबाश शाबाश, नाउ ऑल द क्लासेस आर वेल डिसिप्लिन्ड। लेट्स स्टार्ट बाय थैंकिंग द ऑलमाइटी वंस अगेन, because the Almighty has given us again another chance to share our views. Okay, buddy. Look at, I have shown a display to you, multiple images, and you know, there are two photos, one of the candle and other of this. Okay. Now let's calculate how many total photos are there. Person ki 1, 2, 3, 4, 5. Five photos are there. कोई बच्चा बता सकता है अगर photos five दिख रही हैं तो images कितने होंगे इसमें? दो plane mirror लगे हुए हैं. Can anybody respond? Total photos five दिख रही हैं इस person के, पर इसमें से इमेजेस कितने होंगे? बोलो बेटे, अपने बेंच से बोल दो ऊंचे से। फोर। तो इमेजेस फोर तो होंगे ही होंगे, एक तो पर्सन होएगा ना। मान ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? कितना ऑब्जेक्ट? वन। इट मींस हमारे पास कितने इमेजेस हैं? 1, 2, 3, 4। फोर इमेजेस दिख रहे हैं, फोर इमेजेस। ओके, अब हमारे को क्वेश्चन आएगा कि दोनों प्लेन मिरर्स में इंक्लाइंड एंगल थीटा कितना है? हाउ मच द वैल्यू ऑफ इंक्लाइंड एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स such that there are four images are seen, complete images। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या था, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस वन। ये था हमारा नंबर ऑफ इमेजेस। और प्रेजेंट क्वेश्चन में कितने इमेजेस हैं? 1, 2, 3, 4। तो एन आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इमेजेस, इसकी जगह मैंने 4 डाला तो ये कितना बन गया? 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस वन। तो माइनस वन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस वन कितना हुआ बेटे? 5। और 360 डिग्री यहां पर, थीटा यहां, क्रॉस पोजीशन, थीटा गोज देयर, 5 कम्स इन द डिनोमिनेटर, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। व्हेन यू डिवाइड इट, इट बिकम 72। तो इट मींस थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ऐसे आपको पेपर में कई बार फोटोज देख के एंगल पूछ सकता है। आप लोगों को यह समझ आ गया कि एंगल कैसे निकालना है? यस और नो? इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड। तो मैं क्या देख रहा हूं? डाउन 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 डाउन, थैंक यू थैंक यू। तो मैं क्या देख रहा हूं? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हैंड वेव नहीं करा राइट हैंड। इसका मतलब टीचर का फर्ज बनता है वो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे। ध्यान से सुनो,
मेरे पास, मैं पेपर में क्या करूंगा, टोटल फोटोज काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब 5 फोटो में से एक तो ऑब्जेक्ट होएगा ही होएगा ना, पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे इमेजेस हैं। सो सभी के ऊपर टीचर ने डबल टिक कर रखा है इमेजेस के ऊपर। लेट्स काउंट देयर फिगर, 1 2 3 4। हाउ मेनी इमेजेस आर देयर? 4। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला है विच द टीचर इज अनबॉक्सिंग। बॉक्स में लिखे हुए इस स्टैंडर्ड फार्मूले को आपने याद कर लेना है, यू हैव टू क्रैम इट। सो आई हैव रिटन द फार्मूला, बिकॉज देयर आर 4 इमेजेस, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी पुट एज 4। तो मैंने 4 लिखा। 1 कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव, 1 प्लस 4 बिकम्स 5। नाउ थीटा एंड 5 चेंजेस देयर क्रॉस पोजिशनिंग्स, दैट इज वाई थीटा बिकम 360 डिवाइडेड बाय 5। वंस यू डू दिस डिविजन यू गेट द आंसर 72। दैट मीन्स बोथ मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 72 डिग्री। इज दैट क्लियर? प्लीज वेव योर राइट हैंड। इज दैट क्लियर? शाबाश। तो इसका मतलब है मल्टीपल इमेजेस पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से बेटे? आपको थीटा दिया होगा, नंबर ऑफ इमेजेस पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? आपको ऐसे फोटो दी होगी, नंबर ऑफ इमेजेस दिख जाएंगे, आपने थीटा निकालना है। या कई बार फोटो नहीं दिया होता, डायरेक्टली लिखा होता है, मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए मैनर दैट देयर आर 10 कंप्लीट इमेजेस आर सीन। 10 फिगर दे दिया नंबर ऑफ इमेजेस का, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब दूसरे क्वेश्चन में आपका कंपटीशन है सारे सेक्शंस को मिलकर 8th G को। 8th G से पहले आंसर देना है। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 मिरर्स इन द सेकेंड फिगर? 90 डिग्री। 90 डिग्री कह रहा है एक बच्चा 8th A में से। और कोई आंसर? जी 90 डिग्री। 8th C में से दूसरा बच्चा 90 डिग्री कह रहा है। देखो अब हम देखते हैं कैसे। बेटे ये पर्टिकुलर कैंडल तो ऑब्जेक्ट है ही है, क्योंकि टोटल 4 फोटोज हैं, तो इनमें से क्या हुआ, इनमें से एक ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स टीचर जिनको टिक कर रहा है वो 3 इमेजेस हो गए। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए हैं? 3। और फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इमेजेस का? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। यस और नो? तो दैट मीन्स 1 गोज देयर, तो 3 प्लस 1 बिकम्स 4। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा गोज इन द न्यूमरेटर साइड, 4 कम्स इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 90 डिग्री। डिग्री तो 8th A क्लास विनर हुई। किस बच्चे ने जवाब दिया था 8th A में? व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट योर गुड नेम? गुरकीरत। गुरकीरत तो एक बच्चा ऐसा परफॉर्मर निकला 8th A में जिसने 8th G से पहले आंसर दे दिया इस बार। वेरी गुड, वेरी गुड गुरकीरत, आई वांट यू टू कंप्लीट 8th G। शाबाश। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चनों से आपको मल्टीपल इमेजेस के क्वेश्चन क्लियर हुए। इफ बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, प्लीज वेव योर राइट हैंड। प्लीज वेव योर राइट हैंड। थैंक यू डाउन। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के लेफ्ट हैंड वेव करे। लेफ्ट हैंड वेव करो अगर नहीं क्लियर। वेरी नाइस, दैट मीन सभी को क्लियर है। बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन और पूछना, मैंने एक क्वेश्चन कंपटीशन सारी क्लासों में चलें। मैं इसको इरेज करने लगा हूं बेटे।
एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा इसको करता है। बेटे ये पर्सन है और ये पर्सन अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में रखता है। इसको मैंने दो मिरर्स दे दिए, प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर M1, प्लेन मिरर M2। गॉट इट? अब मैंने इसको बोला, बच्चे को, इस पर्सन को, कि आप दोनों प्लेन मिरर्स को किसी ऐसे एंगल पे रखो आपस में कि आपको खुद के कितने इमेजेस दिखने चाहिए। शाबाश, एकदम से जवाब देना, देखते हैं कौन जवाब देता है। क्वेश्चन पूछने लगा। आई आस्क सेट दिस पर्सन दैट यू प्लीज प्लेस द बोथ प्लेन मिरर्स एट सच एन एंगल दैट यू आर एबल टू सी नंबर ऑफ योर इमेजेस इक्वल टू इनफाइनेट। 0 डिग्री। 0 डिग्री। शाबाश शाबाश, 8th एफ विन कर गया। इतना क्विक आंसर, कौन सा बच्चा बैठे, कौन सा बच्चा है? नमन नमन, क्या बात है सर। देखो गुरकीरत, तो आपसे भी पहले बेटे, आपसे भी पहले नमन करके एक बच्चा 8th एफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर निकला। उसने बोला सर 0 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन है 8th ए के दयावीर और वंदना से, दोनों बच्चे माइक पे आ जाए। 8th ए दयावीर और वंदना, प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे आपके सामने 8th एफ में से एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया, सर 0 डिग्री पे रखने पड़ेंगे दोनों मिरर। क्या आप मेरे को बता सकते हो दोनों में से कोई भी बच्चा कि दो मिरर्स 0 डिग्री पे कैसे रखे जा सकते? देखो अगर मैं दोनों मिरर्स को ऐसे रखता हूं तो ये 90 डिग्री है, देखो राइट। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे को गाइड करो दोनों मिरर्स कैसे रखूं कि एंगल 0 डिग्री बने। एनीबॉडी? आमने सामने। आमने सामने, बिल्कुल सही। बट यार गुड नेम, आई थिंक दयावीर, एम आई राइट? वेरी नाइस। बैठो दोनों बच्चे, बैठो, क्लैप, शाबाश शाबाश। इन दोनों बच्चों ने बोल दिया सर आमने सामने रख दो दोनों मिरर्स को, एम बिन यहां रख दो, M2 यहां रख दो। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रख देंगे या वर्टिकली रख देंगे, आमने सामने रखने के साथ साथ दोनों मिरर्स पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। कोई बच्चा कहता है सर पैरेलल का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, इस मिरर और इस मिरर की आपस में गैप अगर यहां पर सपोज करो 5 मीटर हो, तो इस मिरर और इस मिरर का यहां पर भी गैप 5 मीटर होना चाहिए, इस मिरर और इस मिरर का यहां पर भी गैप 5 मीटर होना चाहिए, इस मिरर और इस मिरर का यहां पर भी गैप 5 मीटर होना चाहिए, सारे पॉइंटों पर 5 मीटर। एक हाथ ऐसे, एक मिरर ऐसे, दूसरा ऐसे। जब ऐसे होते हैं दोनों प्लेन मिरर्स, जानते हो उनमें एंगल कितना होता है पैरेलल मिरर्स में? एनीबॉडी? पैरेलल मिरर्स में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फार्मूला था? 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन। तो 360 डिग्री को 0 से डिवाइड करेंगे, -1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफिनिटी होता है, उसमें से 1 भी माइनस कर देंगे, इनफाइनाइट में से 1 माइनस कर दे तब भी इनफाइनाइट ही रहेगा। मल्टीपल इमेजेस, वो बंदा ऐसे देखेगा उसके इमेज ही नहीं खत्म हो रहे, इधर भी नहीं खत्म हो रहे। अगर आप इसका प्रैक्टिकली डेमो देखना चाहते हो, तो जो बच्चा कभी दिल्ली जाएगा ना, दिल्ली कभी दिल्ली घूमने जाते हो, तो वहां पर एक बड़ा अच्छा मंदिर है, उसका नाम है बिरला मंदिर। क्या नाम है? बिरला मंदिर। तो सामने लॉर्ड कृष्णा की फोटो लगी है, आप यहां पर माथा टेकते हो, नमन करते हो, तो ये मिरर और ये दो मिरर लगे हुए हैं, आप यहां पर खड़े हो, जैसे ही आप माथा टेक के ऐसे निकलने लगते हो, तो आपको इधर भी मल्टीपल इमेजेस, इधर भी इनफाइनाइट, मजा आ जाता है। लाइक अगर ये दयावीर खड़ा होएगा तो इसका लगेगा इतने सारे दयावीर दुनिया में कहां से आ गए।
इतने सारे दयावीर कहां से आ गए, इतनी सारी वंदना कहां से आ गई। सो यू विल रियली एंजॉय, प्रैक्टिकल डेमो देख सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज आप घर में भी दो ड्रेसिंग टेबल्स को आमने सामने खड़ा कर दो, बीच में खड़े हो जाओ, तो यू विल सी मल्टीपल इमेज, मजा बड़ा आता है देखने में। ओके, सो इस तरह से उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया, करेक्ट और नॉट, यस और नो, वेव करो राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, डाउन डाउन डाउन। अब हम चलते हैं बेटे, एक और चीज मैंने आपको बोला था, पेरिस्कोप एक्सप्लेन करूंगा, तो अपने बच्चों का मैं किया हुआ प्रॉमिस कवर करता हूं। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, पेरिस्कोप, सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें, योर अटेंशन बेटे। मान लो मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं, कौन हूं, इंडियन आर्मी का मैं सोल्जर हूं, और हमारे देश की फाइट लग गई है किसी एनिमी कंट्री से, ठीक है, तो आर्मी वर्सेस आर्मी वार चल रहा है, तो आप सारे चाहोगे कि आपके देश का ये सोल्जर धीरज वशिष्ठ शहीद ना हो, मार्टायर ना हो, लेकिन वो अपनी ब्रेवरी और अपनी इंटेलिजेंस से दुश्मन के मैक्सिमम सोल्जर्स को किल कर सके, ऐसा आप चाहोगे अगर आप पैट्रियोट स्टूडेंट हो देश के, भारत के, तब अगर ऐसा चाहोगे तो 8th क्लास का कोई स्टूडेंट उस सोल्जर की मदद कर सकता है पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट से। कैसे? वो इस इंस्ट्रूमेंट को जब बनाकर उस सोल्जर को देगा, यानी मेरे को देगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैं खुद को छुपा सकता हूं और एनिमे के सोल्जर्स को क्लियरली देख सकता हूं। क्या बात है, देखो ध्यान से सुनो, वहां पर जहां वार होता है वहां कोई दीवारें नहीं बनी होती क्या, दीवार के पीछे थोड़ी सी गर्दन निकाल के देखने लग जाओ, जब अगर पेड़ के पीछे से भी गर्दन निकालोगे तभी गर्दन पे ही गोली आती है, बुलेट। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इसमें आपको बाहर से गर्दन भी नहीं निकालनी पेड़ के पीछे से, आप खुद को पूरा छुपा सकते हो और दुश्मन के सोल्जर को देख सकते हो, फिर निशाना लग जाएगा अपना और शूट कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, तो मैं इसको बताऊंगा और फोटो भी दिखाऊंगा आपको असली वाले की, योर अटेंशन बेटे। मेरे पास ना एक पाइप होता है, प्लास्टिक का हो सकता है, गत्ते का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और ये पाइप सर्कुलर हो सकता है या स्क्वायर पाइप होता है, इधर की साइड से ये ओपन है, ये पाइप मैं ऐसे ले गया, यहां से फिर मैंने ये ऐसे कर दी, गॉट इट। ये इस तरह से आप पाइप कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा जेड शेप में है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री एंगल। अब करूंगा क्या, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, मैं इस जगह पर एक प्लेन मिरर लगा दूंगा जिसका पॉलिश वाला सरफेस इनसाइड है और शाइनिंग वाला बाहर है, एरो वाली साइड शाइनिंग है। ओके, तो ये प्लेन मिरर लगाया, लेकिन खासियत क्या है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री रखना है, थीटा, और ये एंगल मैंने अल्फा बना दिया, अल्फा भी 45 डिग्री है और थीटा भी 45 डिग्री है, और नेचुरली ये वाला एंगल तो जिसको टीचर ने शेडेड कर दिया वो तो 90 डिग्री है ही। ऐसा ही एक मिरर मैं यहां पर लगा दूंगा, इस वाले मिरर को हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, एंगल वही, थीटा भी उतना ही, अल्फा भी उतना ही, और ये शेडेड एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना,
आप अपने देश के सोल्जर को बोलोगे, यानी कि मेरे को बोलोगे कि सोल्जर धीरज वशिष्ठ, आपको एक जमीन में खड्डा करके उसके अंदर बैठ जाना चाहिए यहां पर। आप मेरे को बोलोगे, अगर आप जमीन में खड्डा करके बैठ जाओगे तो आप दुश्मन को नहीं दिखाई दोगे। तो मैं बैठ गया, लेकिन मैंने बोला 8th क्लास के बच्चे को कि मैं दुश्मन के सोल्जर को कैसे देखूंगा, तब आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। आप बोलोगे मान लो दुश्मन का सोल्जर यहां पर खड़ा है, दुश्मन का सोल्जर यहां पर खड़ा है, एनिमी सोल्जर, तो आप कहोगे सर देखो एनिमी सोल्जर से रेज ऑफ लाइट आएंगी, ये उसके पैरों से आई, ये उसके सिर से आई एनिमी सोल्जर से, और यहां पर गई, और आपको पता है जब प्लेन मिरर पर टकराएगी, ऐसे प्लेन मिरर पर टकराएगी तो यहां नॉर्मल ड्रा करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए ये वाली रेज इधर से आई ऐसे चले जाएगी नीचे को, दैट मीन्स ये वाली रेज यहां से ऐसे गई, ओके, ये देखो कहां से जा रही है ये वाली रेज, सोल्जर के हेड से जा रही है, हेड से गई ये रेज यहां आई, और यहां से फिर रिफ्लेक्शन होएगी दूसरी, ये हमारे सोल्जर के आंखों में चले गई, ओके। अब दूसरी रे को भी देखते हैं, दूसरी रे देखो सोल्जर के पैरों से आ रही है, एनिमी सोल्जर के यहां टकराई, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई ऐसे हुई, और यहां से सेकंड रिफ्लेक्शन हुई एंड गोज टू दिस, स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो उसको ये हमारे सोल्जर को दोनों रेज पहुंच गई उस एनिमी सोल्जर्स की, पैरों से भी सिर से भी फुट से भी हेड से भी। इसका मतलब है देखो हेड से चलने वाली ग्रीन लाइन ऊपर ही आई, पैरों से चलने वाली येलो लाइन देखो ये वाली नीचे आई, तो हमारे सोल्जर को भी स्ट्रेट इमेज दिखेगा, किसका, एनिमी सोल्जर का, तो वो अपन जब उसको पता लग गया एनिमी सोल्जर कहाँ है, इस खड्डे के बाहर से यहां से अपनी गन निकालेगा छोटी सी और सेटिंग करके शूट कर देगा, गॉट इट। तो पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ विच द ऑब्जर्वर कैन हाइड हिमसेल्फ बट कैन सी द अपोजिट पर्सन स्मार्टली। जो चोर लोग होते हैं ना, चोर लोग वो भी यूज करते हैं इसको, दीवार के ऊपर ऐसे धीरे से रखते हैं और नीचे खड़े होकर देखते हैं कोई अंदर कोर्ट यार्ड में है कि नहीं, लेकिन ये मिस यूज है टेक्नोलॉजी का, और वो पकड़े जाते हैं सालों साल जेल में रहते हैं। जिंदगी में मॉरल वैल्यूज को कभी गिरने नहीं देना, पढ़ाई चाहे कम हो चाहे ज्यादा बेटे। तो आपको ये पेरिस्कोप समझ आया, यस और नो, प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यस, इफ यस लेट मी चेक, जिन बच्चों को दोनों में से कोई भी हाथ वेव नहीं हो रहा ना लेफ्ट ना राइट, उनको मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप करूंगा प्रिंसिपल, मेरे को फैसला तो दो समझ आ गया या नहीं, इफ यस तो राइट हैंड डाउन, गुड मैसेज, सो दैट मीन्स आई गॉट द मैसेज दैट माई स्वीट स्टूडेंट्स सिटिंग सो फार अवे आर अंडरस्टैंडिंग मी। तो मेरे को बड़ा खुशी होता है एक सीनियर इंडियन सिटीजन, एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंडियन सिटीजन को कोई नॉलेज सक्सेसफुली डिलीवर कर पाया। अब देखो लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब बच्चे मैं इसका आपको फोटो भी दिखाता हूं, ये लो देखो बेटे, वही जेड शेप किसी बच्चे ने लेबोरेटरी में कार्डबोर्ड बनाया और इसके अंदर की स्ट्रक्चर ये है, देखो ये ऑब्जेक्ट का मतलब एनिमी सोल्जर, यहां आई का मतलब हमारा सोल्जर इंडियन सोल्जर, गॉट इट।
आप चाहो तो इसको घर पे बना सकते हो, बहुत ही अच्छा। असली बात यह है कि जब कांच इसको बनाना है घर से, तो कांच हाथ में ना लग जाए। आप मार्केट से ऐसे बने बनाए प्लेन मिरर ला सकते हो, लेट मी शो यू। इस तरह के प्लेन मिरर मिलते हैं, प्लेन मिरर कटे कटाए मिल जाते हैं। अगर इन दोनों की मैं कीमत बोलूं तो 10 रुपए में मिल जाएंगे दोनों, 10 रुपीज, 10 रुपीज। और 10 रुपीज में आप ले सकते हैं, मिरर के हिसाब से पाइप बना लो और फिर आप इसको बनाओ और आप खुद को छुपा लो और दूसरे कमरे में, मम्मा मैं बताऊं आपको क्या कर रहे हो आप इस वक्त, आप किचन में खाना बना रहे हो, आप मेरा टिफिन बॉक्स पैक कर रहे हो। हमें ये है कहां पर, मेरे को तो दिख नहीं रही, लेकिन ये बता कैसे रही है। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पेरिस्कोप। ओके, किसके बच्चे के मन में आया कि किसी दिन 2-3 छुट्टियां आ गई तो मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगी घर या करूंगा। हु थिंक्स, शाबाश। किसके मन में आया, किसके मन में आया मैं ऐसा बना के देखूंगा घर पे या न? यस, वेरी गुड। 8th E में एक, सिर्फ एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है 8th E में। ये बच्चा जो है ना, ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसा बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर भी हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे आगे निकल जाता है, याद रखना, जो थ्योरी को प्रैक्टिकल से लिंक। सिर्फ एक बच्चा पूरे सेक्शनों में। बट व्हाट योर गुड नेम, 8th E में लास्ट में बच्चा बैठा है, एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा मैं इसको बना के देख, जबकि मैं सोचता था कि कम से कम 10 बच्चे होंगे। बट योर गुड नेम बेटे, आई वॉन्ट टू नेम योर सर। हाँ रुद्र सिंह, जी, रुद्र सिंह। रुद्र सिंह, वेरी नाइस बेटे। आई एम वेरी ग्लैड कि एक बच्चा थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके फिर पढ़ना चाहता है, क्योंकि असली पढ़ाई प्रैक्टिकली होती है। जानते हो क्यों, जानते हो क्यों? मैं आपको 10 किताबें दे दूं, हाउ टू स्विम, ऐसे करके ऐसे हाथ मारना है, ऐसे मारना है, स्विमिंग पूल में पैर लाना है, तब तैरना सीख जाओगे। पता तब लगता है जब स्विमिंग पूल में जंप लगाओ, कुछ नहीं याद रहता। तो थ्योरी इज थ्योरी, प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल। जो बच्चा थ्योरी वाली सारी एक्टिविटीज को पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिकली करके देखेगा, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखेगा, बनाएगा, वो सारे बच्चों से आगे निकल जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े होते होते। जब तक 30 इयर्स की एज होगी उसकी प्रोग्रेस मैक्सिमम होगी। लो, मैं डिक्लेयर करता हूं आपको। नेक्स्ट, अब आया हमारे पास क्लेडियोस्कोप। क्लेडियोस्कोप की एक्टिविटी आपकी बुक में भी दे रखी है, ठीक है? तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे क्लेडियोस्कोप। कौन बच्चा मेरे को स्पेलिंग बताएगा क्लेडियोस्कोप के? शाबाश, के टिपिकल है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। KALIDO। स्कोप, स्कोप वर्ड जब भी हो उसका मतलब है एनीथिंग विच हेल्प्स टू व्यू ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्लेडियोस्कोप, पेरिस्कोप, राइट? अब बेटे, बस मैंने आपको बोला था कि प्लेन मिरर को पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल से रखने पर मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं। अब जो क्लेडियोस्कोप में हम मिरर्स लगाते हैं, उनका ये पर्टिकुलर एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल आपको सेट करना होता है बस। ओके, ये पर्टिकुलर एंगल को आप 60 डिग्री रख लो तो बात बन जाएगी। एक मिरर यहां भी लगेगा, जैसे 3 मिरर्स हो गए, ये पर्टिकुलर एंगल बता दिया आपको। इन 3 मिरर्स को एक दूसरे से सामने फेस करके बाद में गत्ते से कवर कर दो। लेट मी टेल यू हाउ, ध्यान से देखो। मेरे पास ये 3 मिरर है ही है, लुक, एक मिरर नजदीक करो, बच्चों को दिखना चाहिए, इमेज बड़ा करो,
मैं अपने असिस्टेंट को कह रहा हूं बेटे, एक मिरर, दूसरा मिरर और ये मैंने लिया तीसरा मिरर, तीनों को जब बराबर के साइज कैसे जोड़ूंगा, तो ऊपर से मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। गॉट इट? फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर नीचे मैं गत्ता लगा सकता हूं और उसमें बेंगल के कुछ पर्टिकुलर टुकड़े रख दिए या क्रिस्टल के रख दिए, तो उसके मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं। तो जब मैं ऊपर से देखता हूं तो मेरे को बहुत ही अच्छा डिजाइन दिखता है। उस डिजाइन को मैं चाहूं तो देख देख के एम्ब्रॉयडरी कर सकता हूँ, उसका टाइल का डिजाइन बना सकता हूँ, ग्रेनाइट का डिजाइन बना सकता हूँ। इस तरह से आप क्लैडियोस्कोप बना सकते हो। हम लोग कैसे करते थे, एक और चीज, हम ऐसे तीन मिरर्स लगा के साइडों पे ब्लैक पेपर लगा के और एक साइड पर हल्का सा होल और दूसरी साइड पे बेंगल्स तो डाली है, उसमें कौन सा शीशा लगाते थे, कागज लगाते थे बैक साइड पर, ट्रेस पेपर, फिर उसको सनलाइट में देखते थे। बहुत ही बढ़िया डिजाइन। और क्योंकि काफी सारे टुकड़े होते हैं बेंगल के, आप उसको हिलाकर फिर से देखो, वो किसी और सेटिंग में आ जाते हैं, नया डिजाइन बन जाता है। फिर से मल्टीपल बेंगल्स, मल्टी कलर की बेंगल्स को हिलाकर फिर से देखो, कुछ ही और पोज में आ जाती हैं, वो अलग अलग डिजाइन बनते रहते हैं एक ही पेरिस्कोप में, ओ सॉरी, एक ही क्लेडियोस्कोप में। गॉट इट? तो ये भी आप चाहो तो एक्टिविटी बना के देख सकते हो। गर्ल्स को जरूर बनाना चाहिए ये, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है गर्ल्स को कलर्स के में अंदर, कलर्स के आर्टिकल में बॉयज से ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कलर्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है बॉयज के मुकाबले, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी होगी अगर आप ये बना के देखते हैं। बॉयज को भी बनाना चाहिए, कम से कम एक एक्टिविटी घर पे करके देखो, आइदर पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप। ठीक सर, है, आई हैव मेड इट। यू हैव मेड इट, व्हाट इज योर गुड नेम, यस व्हाट इज योर गुड नेम? सर, नव्या। सर नव्या ने बना रखा है बेटे, यू कैन टेक हर गाइडेंस, कुछ कमी पेशी हो तो आप नव्या से गाइडेंस ले सकते हो बेटे। मैं नव्या, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आप क्लास में जरूर लेकर आओ और बच्चों को दिखाओ, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले कि सर के पढ़ाने से पहले ही बच्चे ने बना रखा है और हमने भी बनाना चाहिए, हमें भी बनाना चाहिए। सर, आई गॉट इट? हैव इट नाउ। सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश, प्लीज सिट डाउन। अब असाइनमेंट निकालो सारे बच्चे, असाइनमेंट असाइनमेंट पे डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्टली फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू मल्टीपल इमेजेस फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एंड एट एन एंगल? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, मल्टीपल इमेजेस इंक्लाइंड मिरर में दिखते ही क्यों है? कोई बच्चा बताएगा? लेट मी आस्क, 8th C में दो बच्चे हैं, गैरी और जसकरण, गैरी और जसकरण, 8th C, मेरे को ये बताया गया है कि ये दोनों बच्चे सर आपका, जस्ट तो करन एब्सेंट है। अच्छा गैरी आओ बेटे, मेरे को बताया गया है गैरी इस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चनों के जवाब दे सकता है 8th C में, आप पूछ के देखो। ऐसे ही 8th D में एक बच्चा है भव्या, आई हैव बीन कन्वेड दैट भव्या कैन आंसर योर क्वेश्चंस, भव्या प्लीज कम ऑन द माइक एंड गैरी प्लीज कम ऑन द माइक। सर बेटे क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, व्हाई डू मल्टीपल इमेजेस फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल? 6th क्वेश्चन, सर ऑप्शन बी, मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट मल्टीपल टाइम्स। वेरी गुड, डी तो नहीं है लेकिन बी है, ऑप्शन इज सर बी, आई हैव सेड बी। बी, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आर यू गैरी बेटे और भव्या? हु आंसर्ड? सर भव्या। भव्या, वेरी नाइस, फुल मार्क्स टू माय स्वीट स्टूडेंट भव्या, मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट मल्टीपल टाइम्स। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन, जसकरण बच्चे आप जवाब दो, या फिर 8th D में एक और बच्चा है अभिज्योत, अभिज्योत, इन दोनों में से कोई जवाब दो। 7th क्वेश्चन,
When two plane mirrors are placed parallel to each other, how many images will be formed? ऑप्शन इनफाइनाइट। Infinite, C option. Very good. Who answered? Abhijot. यस सर। Abhijot. Abhijot, full marks. Bravo, बेटे. Bravo. ठीक है. Very nice. Abhijot ने आंसर सही दिया. अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है. एट्थ क्वेश्चन. इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम धनवीर, एट्थ बी. एट्थ बी धनवीर. बेटे आपने मेरे को बताना है, अगर दोनों मिरर्स में थीटा 60 डिग्री हो तो कितने इमेजेस दिखेंगे? धनवीर बेटे मैंने तो इसी से पूछी. फाइव। फाइव इमेजेस. वेरी गुड. जानते हो कैसे करा इस प्यारे से बच्चे ने? उसने बोला, सर आपने थीटा 60 डिग्री लिया ना, मैं तो नंबर ऑफ इमेज बड़ी आसानी से निकाल दूंगा. आई सेड हाउ? 360 को थीटा से डिवाइड कर दो और -1 कर दो, तो ये 6 -1 आ गया, तो 5 इमेजेस निकाल के बता भी दिया उस बच्चे ने. ऑप्शन इज बी. वेरी गुड. लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन. इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज रिड्यूस्ड, वट हैपन्स टू द नंबर ऑफ इमेजेस? गौर से देखो, कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला तो पता ही है. आप ये बताओ कि अगर इस थीटा की वैल्यू कम करते जाएं, जैसे पहले 90 डिग्री था, फिर 60 डिग्री कर दें, फिर 30 डिग्री कर दें, तो नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? शाबाश. इंक्रीज ओपन क्वेश्चन. एनीबॉडी कैन आंसर. इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि थीटा को घटाने से, थीटा को घटाने से व्हाइट ब्रैकेट, थीटा को घटाने से व्हाइट ब्रैकेट का आंसर ज्यादा होता जाएगा. थीटा को कम करने से व्हाइट ब्रैकेट का आंसर ज्यादा होता जाएगा, और माइनस तो कांस्टेंट फिगर 1 ही करना है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाते हैं. जब थीटा कम होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाएंगे. ओके याद रखना है. लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन. हरी अप. 10th क्वेश्चन. व्हेन एक्स एंड वाई मिरर्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री, ओके, तो क्या करें? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज 10 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच? ये है बेटे क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स डू इट. क्या कह रहा है? एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे, दोनों में 90 डिग्री एंगल, और यहां से हमारी जो रे ऑफ लाइट आई है उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है नॉर्मल के साथ, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको बताना है. जबकि यही रेज ऑफ लाइट जब आगे टकरा के दूसरे मिरर पर जाती है फॉलोइंग द रिफ्लेक्शन, और फिर से वहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करती हुई इधर निकल जाती है, तब ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश हमको 10 डिग्री दे रखा है. आपको आई बताना. कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? पेन कॉपी पे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बेटे. ट्राई योर सेल्फ. इफ आर डैश इज 10 डिग्री, हाउ मच इज आई? सर 10। एक बच्चा कह रहा है 10, और कोई? और कोई बच्चा? कितना? रेटी एक बच्चा 8-0 कह रहा है. चलो सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स सी 45. फोर्टी ये देखो इस क्वेश्चन पे सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं. चार आंसरों में से तीन की ऑप्शन बोल दिया आपने. लेट्स डिस्कस इट. ध्यान से देखो सारे बच्चे, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है और ये दोनों बराबर है. मान लो ये भी अल्फा एंगल है और ये भी अल्फा एंगल है, दोनों बराबर तो होंगे ही होंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ये दोनों अल्फा हो गए। अगर ये एंगल आर डैश है और ये एंगल आई डैश होएगा, फिर ये दोनों बराबर होंगे, तो मान लो ये भी बीटा है ये भी बीटा। ओके, अब बेटे मैं एक जो डॉटेड लाइन वाली ट्रायंगल है, देखो ये वाली डॉटेड लाइन वाली ट्रायंगल नॉर्मल वाली, इसको कंप्लीट करता हूं। कर दिया कंप्लीट, गॉट इट? तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात, मैंने इस डॉटेड वाली लाइन को कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मेरा मिरर नंबर वन था इसके ऊपर ये नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल N1। ये मिरर नंबर टू के ऊपर दूसरा नॉर्मल आ रहा है, ये वाला N2। अब मैथ की एक थ्योरम है, ध्यान से सुनना, जितना दो लाइनों में एंगल होता है उतना ही एंगल वो होता है जो उनकी उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे हैं। अलग से बताता हूं, एक लाइन अगर ये है और एक लाइन अगर ये है, जितना ये वाला एंगल होएगा थीटा उतना ही एक और एंगल होएगा, कौन सा? लेट मी टेल यू, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये एंगल एंगल बिटवीन दी व्हाइट लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दी येलो लाइंस। परपेंडिकुलर्स में भी वही एंगल होता है। ओके, तो गॉड इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना, अगर एम वन पे ये चीज नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एम टू के ऊपर ये भी नॉर्मल है, तो यहां पर बनने वाला एंगल नॉर्मल्स में 90 होगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइनों में मिरर्स में एंगल 90 डिग्री दे रखा है पेपर में, तो ये 90, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स 90 हो गया। तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन गई, ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाया टीचर ने, और ये वाला एंगल दिखाया हुआ है उसने अल्फा, आर को अल्फा बोला था, और ये वाला एंगल कितना है? बीटा, और बीटा की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कितना? 10 डिग्री। कैसे दे रखी है 10 डिग्री? क्योंकि अगर आर डैश 10 डिग्री है तो आई डैश भी 10 होगा, आई डैश और आर डैश बराबर होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस के, ये 10 डिग्री दे रखा है हमें, 10, तो ये भी 10, और दोनों एंगलों को टीचर ने बीटा बोल दिया था, तो ये वाला बीटा हो गया 10 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ट्रायंगल में तीन एंगल हो, तीन एंगलों का टोटल कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये जो 100 है उसको उधर कर दो एटी माइनस, कितना? आंसर सर, 80 80 80 डिग्री डिग्री एक बच्चे ने जवाब दिया था, कौन सा बच्चा था बेटा, कौन सा बच्चा? सर, 8 सी एट, नहीं नाम भी तो बदल गए, जशन। सर, जैसन तो जशन हैज मेड 8th G अ परफॉर्मर क्लास, क्लैप फॉर माय सेल्फ। बेटे एक बात मैं खुशी से सर, कहना एक चाहूंगा, सी हाँ, 8C, 8C, सॉरी, 8C और 8A ने मिलकर आज 8G को अंडर परफॉर्म कर करके दिखा दिया, यू आर दी सुपर परफॉर्मर। 8G और 8A में आज हार्ड कंपटीशन, वेरी गुड। 8G थोड़ा सा पीछे रह गया, थोड़ा सा थोड़ा सा। सो लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेन मिरर्स आर टिपिकली यूज्ड इन सर, साइड ए बेसिक क्लेडियोस्कोप? बेसिक क्लेडियोस्कोप मिरर, एक्सक्यूज मी सर, यस, सर टाइम इज ओवर एंड टुडे इज अ लॉन्ग टेस्ट नो, ओके मैम, बस लास्ट दो क्वेश्चन रहते हैं मैम, तो तीन मिरर्स होते हैं। 12th क्वेश्चन, व्हाई डू द मल्टी इमेजेस सीन इन द क्लेडियोस्कोप सिमेट्रिकली? क्योंकि 60 डिग्री एंगल होता है तीनों में। हाँ बहुत अच्छे बेटे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिरर्स क्लेडियोस्कोप, ये बता दिया। हाउ इज पेरिस्कोप यूजफुल इन सबमेराइन्स एंड टैंक्स? गेट हेल्प टू सी नो माइक,
एट्थ जी में नो माइक मैडम, मेरी तरफ से तो माइक बिल्कुल ऑन है मैम, वॉल्यूम भी फुल है मेरा, आप अपना माइक देखिए। सो इस तरह से हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। आज का लेक्चर जिनको समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। और एक मामूली सी बात करनी है जाते जाते, छोटी सी बेटे, ये कैलेडोस्कोप मैं दिखाना चाहता हूं आपको कैसे होता है। ये देखो, ये देखो ऐसे बना रखा हूं, देखो ट्रायंगुलर मिरर लगाए, ऐसे ऐसे ट्यूब के अंदर डाल दिए, ये मल्टी कलर्ड मार्बल्स डाल दिए अंदर और फिट कर दिया। ठीक है, अगर आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, लेट्स वाइंड अप द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द गुड रेस्पॉन्स एंड मैक्सिमम थैंकफुल टू द टीचर्स हु मेंटेन्ड द डिसिप्लिन। दो नहीं सो।